चलो चलो तुम चलो। कब से देख रहे हो बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, धर्म जात कुल लोग, लेकिन इनका प्रेम नहीं दिख रहा है। कितना प्रेम करती है तुम्हें, तुम्हारे लिए दुनिया छोड़कर आई है, तुम इन्हें छोड़ने की बात कर रहे हो? अरे ऐसे तो बड़ा शुद्धिकरण शुद्धिकरण करते रहते हो, तो करवा लो ना शुद्धिकरण और फिर अपना लो इन्हें। नहीं अपनाना इसे। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मुझे इसके चरित्र पर शक है। इसने अपने पति की मृत्यु के बाद मुझसे प्रेम किया, मुझे मरा जानने के बाद इसने तुमसे प्रेम किया, कल किसी और से प्रेम करेगी। तुम उनके बारे में कुछ नहीं बोलोगे? ये शुद्धिकरण कराएगा। हाँ? और किस किस चीजों का शुद्धिकरण कराओगे तुम? इसका मन, दिमाग, आत्मा सब खराब हो गया है। भीम, बाला, इसे यहां से भेज दो, मैं इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। रानी रुक जाइए, कई बार समझ में नहीं आता कि सही फैसला क्या होना चाहिए, क्योंकि मन अशांत होता है। इसलिए अब भी आप मत जाइए, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर कल आप चले जाइएगा जहां भी जाना हो। इसके लिए यहां रहने की जरूरत नहीं, सामने झोपड़ी है, जब से बनी है तब से आप जैसे बड़ी जाति वाले लोग ही रहते हैं, आप वहां जाकर विश्राम कीजिए। देखो पापा जो कह रहे हैं मान जाओ, नहीं तो मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। चलिए मैं आपको झोपड़ी दिखा देता हूँ। बाला, ये क्या तरीका है? ऐसे किसी से लड़ना सही नहीं है। मैं उसका साथ तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो दे सकता है उसे रोकने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सब अच्छा ही होगा, लेकिन ये समझे तब ना। मैंने उसे समझाया लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। बाला भैया, कबीर की वाणी के हिसाब से प्रेम समझाया थोड़ी ना चाहता है, वो तो बस किसी के मन में किसी के लिए जन्म ले लेता है। अम्बेडकर गुरु जी कहते हैं कि संसार में सबसे सुगम है प्रेम का जन्म लेना, जन्मियों में हर प्रेम का अलग अलग स्वरूप होता है, जैसे आप यहाँ बैठकर सोच रहे हैं ये भी प्रेम है, और अंदर संदेश जी जो सोच रहे हैं वो भी प्रेम है।